गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। ये थर्ड वीडियो है मार्केट चैप्टर का, चैप्टर फोर बिजनेस इकोनॉमिक्स का। देखिए अभी तक दो लेक्चर्स मैंने इस चैप्टर पे आपको दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक वो दोनों लेक्चर्स तो प्लीज जाकर उन वीडियोज को देखिए ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और आगे का लेक्चर आप समझ पाए। जल्दी से दो मिनट में हम रिवाइज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था नीचे कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो टोटल रेवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन में वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों होता है। और बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था जिनको नीचे मैंने मेंशन भी किया था जिनका नाम। तो देखिए सबसे पहली बात हम जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। डिमांड कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इट इज परफेक्टली इलास्टिक और यू कैन से इनफाइनाइटली इलास्टिक। तो कोई आपसे पूछेगा कि डिमांड कैसी होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो आप कहेंगे इट इज इनफाइनाइटली इलास्टिक। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखो, यहाँ पर चाहे क्वांटिटी डिमांडेड वन हो, चाहे टू हो या थ्री फोर फाइव कुछ भी हो, हमारा जो प्राइस है ये प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट है। देखिए ठीक है, तो ये जब हमने डिमांड इलास्टिसिटीज पढ़ा था तब देखा था। आई होप आपको ये समझ आता है कि परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड कर्व। फिर देखो एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है फर्म का, वही डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यानी कि ये जो प्राइस है आपका, तो AR इज इक्वल टू प्राइस, ये प्रूव करके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और ये भी आपको मैंने बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू भी AR के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। MR और AR सेम होते हैं, यानी कि MR कर्व भी सेम होगा। तो डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे डिनोट द प्राइस ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी तीनों इक्वल होते हैं प्राइस AR और MR। फिर देखो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल सेल से कितना पैसा हमारे पास आया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल करोगे, मानो 10 यूनिट अगर उसकी प्राइस थी तो आपके पास 10 टोटल रेवेन्यू आएगा। टू यूनिट सेल करोगे तो 20 आएगा, थ्री यूनिट सेल करोगे तो 30 रुपीज आएगा। लाइक वाइज ये बढ़ता जाएगा टोटल रेवेन्यू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ साथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, यानी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है टी आर और क्वांटिटी सोल्ड के बीच में। ठीक है, तो इसलिए दिस कर्व इज लीनियर, पॉजिटिवली स्लोप एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज एज यू पीपल आंसर्ड, अगर क्वांटिटी सोल्ड जीरो है तो टी आर टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमने पहले देखी थी। अब देखो आपके मॉड्यूल में एक टेबल दिया गया है, एक स्केड्यूल दिया गया है, उसकी मदद से हम समझेंगे कि इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सारे कर्व्स कैसे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। आपके मॉड्यूल में इसे इजी लैंग्वेज में और एक तरीके से नहीं दिया गया है, इसलिए आपको टफ लगता है। लेकिन अगर आप चैप्टर को रिटेन करना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जिस तरीके से टेबल्स बनाकर या एरो डायग्राम्स बनाकर, चार्ट्स बनाकर मैं आपको समझा रही हूँ, उसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। अभी के लिए यहाँ पर आप दो कॉलम्स बनाएंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। डिमांड कर्व AR, MR और TR लिखेंगे और वहां पर आप इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये कर्व्स कैसे होते हैं डायग्राम बनाएंगे, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से। अगर आप अभी नोट करेंगे तो लास्ट में आप रिटेन कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड नाउ वी विल सी व्हाई दीज कर्व्स आर लाइक दिस इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो लेट्स बिगिन। अब देखिए आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 4.156 पर ये टेबल ड्रॉ करके उन्होंने दिया है। इस टेबल की मदद से हम समझते हैं TR, AR, MR का रिलेशनशिप कैसे ये बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर यूनिट सोल्ड है, पेज नंबर 4.156। ठीक है, इस पेज पर ये टेबल दिया हुआ है, एग्जैक्ट टेबल मैंने कॉपी किया है। यहाँ देखो यूनिट सोल्ड है 1 से 10 तक, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 10 यूनिट सोल्ड का। अब देखो इसे ऑब्जर्व करो, सबसे पहले जैसे जैसे आपके यूनिट सोल्ड बढ़ रहे हैं आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो रहा है, कहां पर, यहां पर ये मैक्सिमम हो गया, 5 यूनिट्स पे TR becomes maximum।
उसके बाद कांस्टेंट होता है 30 पे मैक्सिमम रहता है, उसके बाद फॉल होने लग जाता है, मतलब यहां से टीआर जो है वो आपका फॉल हो रहा है, कम होने लग गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टीआर और यूनिट सोल्ड वाले दो कॉलम्स को देख के हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या समझ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ते जा रहे हैं और टीआर का बिहेवियर कैसा है। देखो यहां मैंने लिखा है जिस तरीके से, पहले आप समझ लीजिए मैंने लिखा है उसी तरीके से आप अपने नोट्स में से लिखेंगे। देखो टीआर का बिहेवियर देखो, पहले टीआर इंक्रीज हो रहा है कहां तक, अप टू 30 तक, मतलब 30 तक, फिर ये मैक्सिमम हो गया, 30 हो गया ना टीआर मैक्सिमम हो गया, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, 30 से 10 आ गया, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। तो पहले टीआर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है और फिर ये फॉल करता है। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, देखो मैंने आपको कहा था टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी टीआर अपॉन क्यू होता है आपका एवरेज रेवेन्यू, ये हमने देखा था ना, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू क्वांटिटी सोल्ड, टीआर को हम पी इंटू क्यू लिख सकते हैं और क्यू का क्यू यहां पर आ गया, ये दोनों कट हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस हो गया है ना, ए आर इज इक्वल टू पी हो गया, हो गया। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू है आपका, ये एक्चुअल में क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, द कमोडिटी इज सोल्ड। अब देखो एवरेज रेवेन्यू को आप कैसे निकालते हो, टी आर डिवाइडेड बाई यूनिट्स, 10 डिवाइडेड बाई 1, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज 9, 24 बाई 3 इज 8, ऐसे ही 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1। तो एवरेज रेवेन्यू का कॉलम आ गया। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, पूरे टाइम एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मैम जैसे टीआर जो था पहले बढ़ रहा था, फिर मैक्सिमम हुआ 30 पे, फिर फॉल करने लगा, वैसे ही एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। सी एवरेज रेवेन्यू इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, फॉलिंग, फॉलिंग एंड फॉलिंग, इट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, इट मींस क्वांटिटी सोल्ड जैसे जैसे बढ़ रही है, ये देखो 1, 2, 3 से 10 हो गया ना, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ रहा है और एवरेज रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है। अभी हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल है, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी एस, यस। तो क्वांटिटी सोल्ड आपका बढ़ रहा है और प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब याद करो, प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सोल्ड कम हो रही है। तो आप बोल सकते हो ना ये क्या है, ये शो कर रहा है आपको रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। एक फर्म जो सेल करेगा, कंज्यूमर वो खरीदेगा। मेरे लिए मैंने आपको शुरू में बताया था जो टोटल रेवेन्यू है वो कंज्यूमर के लिए टोटल एक्सपेंडिचर है, जो मेरी सेल है वो कंज्यूमर की परचेज है, मेरी सप्लाई कंज्यूमर की डिमांड है। तो जैसे जैसे मेरा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस कम हो रही है। तो मैं बोल सकती हूँ मेरे प्राइस कम करने की वजह से क्वांटिटी सोल्ड बढ़ रही है या क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है ना। यानी आई कैन से क्वांटिटी सोल्ड और एवरेज रेवेन्यू, या फिर प्राइस बोल दो, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप हो गया, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ये, है ना, इन दोनों के बीच में। सो आई कैन से दीज आर इनवर्सली रिलेटेड, दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सोल्ड एंड द एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। ऑलराइट, देयरफॉर आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड द क्वांटिटी सोल्ड, इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। मतलब ये जो ए आर कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व जो निकल के आएगा, वो क्या होगा फर्म का, डिमांड कर्व होगा फर्म का वो। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब लास्ट है मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, है ना। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें मिला, देखो यहां पर जब एक यूनिट बेच रहे थे तो 10 रुपीस एक्स्ट्रा मिल रहा था, जब दो यूनिट बेचा मतलब 1+1, पहले एक ही यूनिट बेच रहे थे अब एक यूनिट और बेचा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने की वजह से 8 रुपए एक्स्ट्रा मिले, और टोटल कितने मिले, इन दोनों को ऐड कर दो 18। अब देखो थर्ड यूनिट, पहले दो यूनिट्स बेच रहे थे अब एक और बेच रहे हैं ना, तो 3 यूनिट सेल करने की वजह से हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, 6 रुपए एक्स्ट्रा मिला, और
टोटल कितना मिलेगा, टोटल 1, 2, 3 यूनिट सेल करने की वजह से इनको ऐड कर दो यानी 24। तो यहां देखो ऐसे ही फोर्थ यूनिट पे आओगे, फिफ्थ यूनिट पे आओगे, फिर टेंथ यूनिट पे आओगे, तो आप देखोगे कि मार्जिनल रेवेन्यू एक्चुअल में क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। देखो सेकेंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू यानी सेकेंड यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचना पर हमें कितना एक्स्ट्रा मार्जिनल रेवेन्यू मिला, 18 - 10 = 8 हो गया, ठीक है। थर्ड यूनिट हमने जब सेल किया तब 24 - 18 = 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते जाएंगे। अब मार्जिनल रेवेन्यू का बिहेवियर देखो, 10, 8, 6, 5, 4, 2, 0 यहाँ पे ये 0 हो गया और उसके बाद में ये फॉल होने लगा और नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू मैम हम बोल सकते हैं पहले तो ये फॉल होता है ना, फॉल ही हो रहा है शुरू से, जैसे टीआर पूरे टाइम फॉल हो रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल हो रहा है, फिर 0 बन जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं ऑल थ्रू आउट दिस टेबल, देखो एवरेज रेवेन्यू से हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट यूनिट को छोड़ देना, हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू कम है। 8 is less than 9, फिर 6 is less than 8, 4 is less than 7, -8 is less than 1, पूरे टाइम ध्यान से देखो मार्जिनल रेवेन्यू कम है एवरेज रेवेन्यू से। तो एक ये रिलेशनशिप भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, MR is less than AR और यू कैन से AR is greater than MR। तो जल्दी से इस टेबल में हमने क्या क्या देखा बताओ, यहाँ पर देखो एकदम अच्छे से फोकस करो ध्यान से। टोटल रेवेन्यू ने क्या किया, पहले टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उसके बाद वो मैक्सिमम हो गया और फिर वो फॉल करने लगा। एवरेज रेवेन्यू ने क्या किया, कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्वांटिटी सोल्ड बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है। उल्टा रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक बड़ा दूसरा कम, एक बढ़ रहा है दूसरा कम, यानी इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए ये फर्म का डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू ने क्या किया, फॉल हो रहा है, 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं होता कभी भी, पर MR नेगेटिव हो जाता है और हमेशा AR से नीचे है। अब देखो जो स्केड्यूल आपकी बुक में दिया गया था, हमने उसका डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ कर लिया है, जो आपको पेज नंबर 4.157 पे दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से समझो, यही इसी वक्त आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, बट फुल फोकस यहाँ पर चाहिए। अब देखो इस डायग्राम को देखते हैं, सबसे पहले ये TR कर्व है आपका, टोटल रेवेन्यू कर्व, हमने देखा था इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, एंड इट इज दिस शेप। कैसा था TR का रिलेशन, हमने देखा था पहले बढ़ेगा मैम, फिर मैक्सिमम हो जाएगा और फिर फॉल करने लगेगा। देखो टोटल रेवेन्यू कर्व पहले बढ़ रहा है 30 तक, है ना, 30 तक बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो गया। यहाँ देखो TR बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 यहाँ मैक्सिमम हो गया। इस लाइन को ड्रॉ करोगे, ये देखो 30 है, यानी 30 पे ये मैक्सिमम हो गया TR कर्व, ठीक है, है ना। जब TR कर्व मैक्सिमम था तब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 0 था। नीचे देखो ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, ये AR कर्व है और ये ग्रीन वाला MR कर्व है। जब TR मैक्सिमम होता है MR 0 होता है, हमें पता है। यहाँ देखो नीचे आओ, ये देखो ये ग्रीन वाला कर्व, MR यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। 6 यूनिट्स पे, ये 6 यूनिट है, 6 यूनिट है आउटपुट सोल्ड, जब 6 है तब TR कर्व मैक्सिमम 30 पे और MR कर्व 0 है, ये रिलेशनशिप ट्रू हो गई। एवरेज रेवेन्यू कर्व देखो फॉल करता जा रहा है, यहां से देखो ये इट इज फॉलिंग एंड फॉलिंग एंड फॉलिंग एंड फॉलिंग। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज फॉलिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड के बीच में, ठीक है, इसीलिए ये डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। AR कर्व क्या होता है, जब भी हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे हमेशा एवरेज कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों, क्योंकि उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सोल्ड बोल दो एंड द प्राइस के बीच में। प्राइस को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्वांटिटी सोल्ड कम हो जाएगी, है ना, और वहीं पर हम प्राइस को अगर कम कर देंगे, 10 से 1 ला रहे हैं तो क्वांटिटी सोल्ड, देखो यूनिट सोल्ड बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे टेस्ट पेपर में, ध्यान रखना इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसा भी हो हमेशा AR का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपको फ्री में मिलने वाला है उसका जवाब। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखो, हमने देखा था मैम पहले तो फॉल होता है, फॉल होता होता वो 0 हो जाता है, फिर वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखो ग्रीन वाला हमारा MR कर्व है ये, तो ये फॉल होता 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 0 हो गया, जब ये 0 था तो
टीआर मैक्सिमम था, राइट। अब देखो जीरो होने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जब एमआर नेगेटिव होता है, ये इतना क्वेश्चन है, जब एमआर नेगेटिव होता है तब टीआर हमारा फॉल करने लगता है, टीआर इज फॉलिंग। तो ये तो हमने पूरा डायग्राम में देख लिया, ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या समझ आया, एक चीज तो ये कि अगर आप बात करो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, ये पूरा डायग्राम और स्केड्यूल किसका है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, तब देखो आप क्या बोलोगे कि मैम टीआर जो है वो बढ़ता जाता है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है जब एमआर जो है वो फॉल होता रहता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे टीआर बढ़ता जाता है जब एमआर फॉल होता है डिमिनिशिंग रेट पे, है ना, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैम टीआर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है जब एमआर जीरो होता है, ये टीआर 30 पे मैक्सिमम 6 यूनिट्स पे और एमआर जीरो, ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया। तीसरी चीज मैम टीआर जो है वो फॉल करने लगता है जब एमआर नेगेटिव हो जाता है, टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन एमआर बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको आप नोट करोगे, ठीक है। ठीक है मैम समझ आ गया। एक और चीज मैम आपने बताई थी, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमेशा क्या होगा, जब भी फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डिमांड कर्व मतलब एआर कर्व, है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, तब हमेशा एवरेज रेवेन्यू कर्व विल बी हायर और ग्रेटर देन द एमआर कर्व। यहां देखो पूरे कर्व्स को देखो, पूरे टाइम ये ग्रीन एमआर कर्व है, ये रेड एआर कर्व है, एमआर कर्व हमेशा नीचे है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा नीचे है एआर से, या वो एआर से, फिर ऐसे भी लिख सकते हो एमआर कर्व इज लेस देन द एआर कर्व, है ना, ये दोनों रिलेशनशिप भी सही हो गए। तो ये हमें पूरा अच्छे से समझ आ गया, इसी पर बेस न्यूमेरिकल आता ही आता है आपके एग्जाम में, ध्यान से इसको पढ़ लो और इसी तरीके से नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व करने लायक है, बहुत अजीब से लैंग्वेज में आपके मॉड्यूल में दिया गया है, मैं आपके मॉड्यूल को पढ़कर भी आपको बताऊंगी, आई एम श्योर आपको समझ नहीं आया होगा। अब देखिए आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 4.156 पर जो आपका पैराग्राफ है, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है नीचे से, वो बोल रहा है द क्वेश्चन विच अराइजेस, ये यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो थर्ड यूनिट है इसका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों को कंपेयर कर रहा है, बोलता है कि थर्ड यूनिट जब सेल करते हैं हम, ये तीन यूनिट सेल करते हैं, तब एमआर जो है वो प्राइस या एआर से कम क्यों है, द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि वाई एमआर इज लेस देन द एआर, ये पूछ रहा है आपके मॉड्यूल में, ठीक है, पेज नंबर 4.156 पर जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें। सो ये मैं आपको अब समझाती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखो सबसे पहली बात यहाँ देखो, मैंने उसी को रेप्लीकेट किया है यहाँ, जब फर्स्ट यूनिट, पहला यूनिट हम बेचते हैं तो 10 रुपए पे बेचते हैं, तो दिस इज क्यू, राइट, दिस इज क्वांटिटी सोल्ड, सो क्यू इंटू प्राइस ऑफ वन यूनिट, क्यू इंटू 10 इज 10, टोटल रेवेन्यू आया, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आया, एक यूनिट को बेचने की वजह से एक्स्ट्रा हमें 10 मिला, अगर 0 यूनिट्स बेचते तो 0 मिलता, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 10, ठीक है। अब 1+1 यानी कि 2 यूनिट्स बेच रहे हैं, टोटल 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो ये जो 1+1 है ये ठीक है, इस सेकंड यूनिट के बेचने की वजह से एक्स्ट्रा जो मार्जिनल रेवेन्यू हमें मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो मिलेगा उसे हम एमआर बोलते हैं, है ना, एमआर ऑफ सेकंड यूनिट। अब देखो 2 यूनिट जब हम बेच रहे हैं तो कितने पे बेच रहे हैं, यहाँ देखो प्राइस 9, तो यहाँ पे मैंने प्राइस 9 लिख दी, है ना, तो 9 × 2 = 18 टीआर आया। अब एमआर कैसे निकालोगे कि जो ये 1+1 2 यूनिट्स बेच रहे हैं टोटल, तो सेकंड यूनिट जो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट हम सेल कर रहे हैं इसको बेचने की वजह से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, एडिशनल रेवेन्यू कितना मिला, देखो एक यूनिट बेच रहे थे तो 10 मिल रहा था, 2 बेच रहे हैं तो 18 मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा कितना मिला, 18 माइनस 10, तो ये हो गया एमआर 8 आ गया, है ना, ये एमआर आ गया आपका 8। ऐसे ही जब थर्ड यूनिट बेचोगे तो पहले 2 यूनिट बेच रहे थे यहां तक, अब एक 1 ये एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करता है, इस एक्स्ट्रा थर्ड यूनिट के सेल करने की वजह से एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू आएगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम थर्ड यूनिट कितना होगा, देखो थर्ड यूनिट 3 यूनिट्स को बेचने के लिए हमें प्राइस को फिर से कम करना पड़ा, जब पहला यूनिट बेचे थे तो 10 रुपए पे प्राइस था, उसको कम करना पड़ा, 9 करना पड़ा, तब 2 यूनिट बेच पाए।
अब 9 से अगर प्राइस को और कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तब हम 3 यूनिट सेल कर पाएंगे। मतलब अगर हमें सेल बढ़ानी है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्वांटिटी सोल्ड बढ़ाना है, तो एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस को कम करना पड़ेगा, है ना। सस्ती करेंगे हम प्राइस को, तब ज्यादा बेच पाएंगे। तो 8 × 3 = 24, ये टोटल रेवेन्यू है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इस थर्ड यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट से एक्स्ट्रा मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना आया, तो हम बोलेंगे 24 - 18 मैम, 24 - 18, है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 6, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जैसे जैसे हम एवरेज रेवेन्यू या प्राइस को कम करेंगे, हम ज्यादा क्वांटिटी सेल कर पाएंगे, और हर बार ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की वजह से एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब बताओ, ये प्राइस है थर्ड, जब 3 यूनिट्स बेचते हैं तब दिस इज एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई दिस एमआर इज लेस देन एआर और प्राइस, ये 6-8 से लेस क्यों है। यहाँ पर देखो क्यों है, मैं बताती हूँ। जब हम यहाँ पर 2 यूनिट बेच रहे थे तब 9 रुपीस में बेच रहे थे, है ना, 2 × 9 = 18 रुपीस मिल रहा था। एक एक्स्ट्रा यूनिट थर्ड यूनिट को बेचने के लिए हमें प्राइस को घटा के 9 से 8 करना पड़ा, यानी कि जब हम इस थर्ड यूनिट को सेल करना चाहते हैं, है ना, तब हमें प्राइस 8 करना पड़ा। तो बताओ, जो प्रीवियस 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, इन दोनों पे कितना लॉस हो गया हमें। देखो ध्यान से सुनना, जब 2 यूनिट सेल कर रहे थे तो 9 थी हमारी प्राइस, इस 9 रुपीस पे हम सेल कर पा रहे थे, है ना, 9 रुपए पे हम सेल कर पा रहे थे। अब एक यूनिट एक्स्ट्रा के लिए हमें प्राइस को कम करना पड़ा, 8 करना पड़ा। मतलब पहले 9 पे बेच रहे थे, अब 8 पे बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का नुकसान हो गया ना। पहले आप एक पेन 9 रुपीस में दे रहे थे, ठीक है, अभी आप उसी पेन को अगर आपको और बेचना है तो 8 रुपए में दोगे, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है पर पेन। तो इन प्रीवियस 2 यूनिट्स पे प्रीवियसली कितना लॉस हो रहा है हमें, 2 यूनिट्स, जो प्रीवियस 2 यूनिट्स है, उन दोनों यूनिट्स को हमें 1 रुपए सस्ता, 9 से 8 कर दिया, 1 रुपए सस्ता बेचना पड़ा, मतलब 2 रुपए का नुकसान हो गया हमें, इट इज लॉस ऑफ रुपीज 2। तो देखो यहां पे जो ये है, ये एवरेज प्राइस है, 8 रुपीज से आप इस लॉस को जब माइनस करोगे तो आपको ये 6 मिलेगा, ये मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा आपको। आई होप इट इज क्लियर। जब आप 2 यूनिट्स बेच रहे थे तो 9 रुपए पे बेच रहे थे, एक एक्स्ट्रा यूनिट यानी थर्ड यूनिट को बेचने के लिए आपको प्राइस को कम करना पड़ा, 9 से 8 करना पड़ा, यानी 1 रुपए कम किया आपने। तो जो पहले 2 यूनिट बेच रहे थे 9 रुपए पे, अब वो 2 यूनिट 8 रुपए पे बेचोगे, तो यानी 2 यूनिट्स पे 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी टोटल लॉस हो गया 2 रुपए का। तो यहां पर जो प्राइस है आपकी 8 एवरेज रेवेन्यू, उससे आपने 2 को माइनस कर दिया, जो ये हमारा लॉस हुआ, और 6 आ गया ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये फॉर्मूला यहां पर आपकी बुक में नहीं दिया गया है, देखो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकाला हमने, प्राइस ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड, एक्स्ट्रा यूनिट कौन सा है यहाँ, थर्ड यूनिट, इस थर्ड यूनिट की प्राइस क्या है 8, तो यहां मैं लिख देती हूँ प्राइस ऑफ द एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड इज 8, माइनस लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल अर्लियर यूनिट्स एट द न्यू लोअर प्राइस। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ ऑल अर्लियर यूनिट्स, ऑल मतलब जितने भी पहले यूनिट्स आपने बेचे हैं, ऑल अर्लियर यूनिट्स मतलब अभी तो थर्ड यूनिट बेच रहे हैं, ऑल अर्लियर यूनिट्स मतलब 2 पहले पिछले यूनिट्स, एट द न्यू लोअर प्राइस। न्यू लोअर प्राइस क्या है 8, 9 से 8 कर दिया ना, तो दिस इज 8। तो ये बोल रहा है कि लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल अर्लियर यूनिट्स एट द न्यू लोअर प्राइस, तो न्यू लोअर प्राइस तो 9 है ना, और अर्लियर यूनिट्स 2 है, और लॉस कितना हुआ, लॉस इन सारे अर्लियर यूनिट से 9 - 8 यानी 1 × 2, तो टोटल लॉस हो गया 2, तो 8 से 2 को हमने माइनस किया और 6 आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। सो आई होप गाइस दिस इज क्लियर, ठीक है, ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, आपके मॉड्यूल में नहीं समझाया गया है इसको, तो अच्छे से आप सुन लीजिए, समझ नहीं आया तो वापस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, आई होप इट विल बी क्लियर। अगर नहीं समझ आता है फिर भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एआर एंड इलास्टिसिटी, वो हम देख लेते हैं जल्दी से।